हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सेविंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी समर क्लास की थर्ड क्लास है, जिसमें आज मैं आपको बेबी ब्लूमर बताऊंगी। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको तुरपाई और कच्चा बखिया करना बताया था, सेकंड क्लास में मैंने आपको हुकाई और काज बटन करना बताया था, थर्ड क्लास में आज मैं आपको बेबी ब्लूमर बताने वाली हूँ, जो आप दो एक से तीन साल के बच्चे के लिए आराम से इजीली घर पे बना सकते हैं, और इसे मैं आज आपको सुई धागे से बनाना बताऊंगी। इसमें आपको मशीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसे आप बहुत ही इजी तरीके से, अभी लॉकडाउन का टाइम है, खाली फुर्सत में आप घर में बनाने की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। और जिन बहनों के पास, जिन महिलाओं के पास में सिलाई मशीन है, वो आराम से अपनी सिलाई मशीन पर भी बना सकते हैं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल। देखिए, हम अपने इस स्पेशल समर क्लासेस में हम आपके लिए बेसिक से एडवांस तक की सभी चीजें इसमें एक एक करके लेके आए हैं, जिसे हम आपको बहुत डीपली समझाएंगे, बहुत अच्छे से स्टिचिंग, बहुत अच्छे से आपको जो हाथ से मशीनों का काम है वो करना बहुत अच्छे से सिखाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी क्लासेस शुरू ही हुई है। तो चलिए हम जल्दी से हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बेबी ब्लूमर के लिए, देखिए हमने ये, मैं 1.5 साल के बच्चे का बना रही हूँ, और ये हमने इसमें इतना सा ही कपड़ा लिया है, इसमें आपका बेबी ब्लूमर आराम से बन जाएगा। देखिए, आप इसके लिए एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप साल भर के बच्चे का बेबी ब्लूमर बनाते हैं, तो उसका जो हिप साइज या कमर साइज होता है वो 14 इंच होता है, इससे ज्यादा बच्चों का नहीं रहता। लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चा हेल्दी है, या आपके पास कोई किसी का आपको बनाना है, उस बच्चे का कमर या हिप हेल्दी है, तो आप उसका थोड़ा सा माप ले लीजिए। वैसे जो नॉर्मल नाप रहता है 1.5 साल के बच्चे का, साल भर के बच्चे का, वो 14 इंच रहता है। तो देखिए, हम ये 1.5 साल के बच्चे का बना रहे हैं, तो हम जो हमने बच्चे का नाप लिया है, वो हिप उसका इतना कितना है, 16 इंच का उसका हिप है, तो हम 16 इंच से ही इसे मार्क करेंगे। देखिए, हमने ये कपड़ा लिया है, देखिए इसकी लंबाई देखिए 8.5 इंच आ रही है, और इसकी चौड़ाई देखिए लगभग 16 इंच की। हमने ये एक ही सलंग कपड़ा ले लिया है, और ये डबल हिस्से में कपड़ा है, तो जब आप इसे करेंगे, तब हम ब्लूमर का नाप 4 वर्ता कपड़ा में लगाएंगे। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी कपड़े को लगाते हैं, तो डबल परत में ही कपड़े को जमाइए। देखिए, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप हिप का निशान लगा दीजिए। देखिए, ये हमारी चौड़ाई वाला पोर्शन है, और ये हमारी लंबाई वाला पोर्शन है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए, पहले आपको ऊपर 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है, और नीचे आपको लगभग 1 इंच पर निशान लगाना है। ये आप निशान पहले लगा लीजिए, देखिए इस प्रकार से, यानी कि ये हमारे ऊपर इलास्टिक आएगी जो कमर में आएगी, और ये हमारी नीचे इलास्टिक आएगी, ठीक है। यानी कि हमारा जो बेबी ब्लूमर है, छोटे बच्चों की जो चड्डियां होती हैं, वो इजीली हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, अब ये हमारा 16 हिप्स का जो हमने ब्लूमर तैयार करेंगे, उसके लिए पहले आपने ऊपर 1.5 इंच का निशान लगा लिया, और नीचे लगभग 1 इंच का निशान लगा लिया। देखिए, यहाँ पर हमारा जो कमर हम लेंगे वो 12 इंच का लेंगे, तो 12 का 4 6 इंच होता है, और 1 इंच हम बढ़ाकर ले रहे हैं, 7 इंच पर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। उसके बाद देखिए, हम इसको यहाँ पर लगभग 5 से 5 इंच तक नीचे उतार लेंगे, और उसके बाद इसमें इस प्रकार से गोलाई बना देंगे। देखिए, इस प्रकार से हम गोलाई बना देंगे, और इस निशान को भी हमको मार्क नहीं करना है, ये भी हमने लगभग 7 इंच पर ही मार्क करेंगे, और इस निशान को ऐसे तिरछा हम यहाँ पर मिला लेंगे, क्योंकि हमने इसको इसलिए ज्यादा लिया है, क्योंकि हमें इलास्टिक लगानी है, इलास्टिक में जितना घूम होता है उतना ही ज्यादा ब्लूमर अच्छा लगता है। अब आप इसे कट कर लीजिए इस प्रकार से, देखिए ये देखिए, इस प्रकार से आपको इसे कट कर लेना है। देखिए, अब आपने ये काट कर दोनों पीस अलग कर लिए, दोनों पैर आपके इस प्रकार से रहेंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये गोलाई वाले पोर्शन जोड़ने हैं आपको। देखिए, इस प्रकार से ब्लूमर को रखना है, और ये दोनों जो आपने आसन वाले हिस्से काटे हैं, ये आपको जोड़ना है। तो देखिए, मैं आपको इसे स्टिच करके बताऊंगी, अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। देखिए, नॉट पहले बांध लीजिए, ताकि आपका धागा नहीं खराब हो, खुले नहीं है। अब यहाँ से जो मैंने आपको बखिया बताया, कच्चा बखिया, उसको करना है, लेकिन थोड़ा बारीक करना है, कच्चे बखिये पास पास लेना है। देखिए, इस प्रकार से, जिस प्रकार मैं ले रही हूँ, ये देखिए, इस प्रकार से आपको कच्चा करना है, ये देखिए, इस प्रकार से आपको कच्चा करना है, थोड़ा पास पास ही रखना है, ताकि क्या हो कि वो डिस्टेंस ज्यादा ना दिखे, क्योंकि कच्चा हम दूर दूर करते हैं। ये कच्चे की सिलाई आपको लगानी है, लेकिन थोड़ा पास पास लगानी है, क्योंकि हमारी ये पक्की सिलाई रहेगी। अब उसके बाद में आपको इस प्रकार से नॉट वापस डबल कर देनी है,
वापस से इधर की तरफ भी आप इसी प्रकार कर लीजिए। देखिए इस प्रकार से हमने दोनों तरफ से इसे सिल दिया है। अब आपको इसको इस प्रकार रख लेना है। देखिए ये इस प्रकार से हमने रख लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एक परत, ये ऊपर वाला जो साइड है, इसको सिर्फ आपको एक बार इस प्रकार से पूरे में कच्चा बखिया लगा लीजिए। ये देखिए इसमें आपको कच्चा बखिया करना है। कच्चा किस प्रकार करना है, इस वाले को आप चाहे तो दूर दूर भी कच्चा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं, ये हमने एक बार सिर्फ एक लेयर कच्ची करनी थी, वो हमने कर लिए। अब आपको ये हल्की हल्की, देखिए लगभग आधा इंच, लगभग इतनी आपको इसे मोड़नी है। जो निशान आपने लगाया था देखिए उसी पे हम आ गए हैं। आप चाहे तो इसे तुरपन भी कर सकते हैं, जिससे क्या हो आपका ये बिल्कुल पक्का हो जाए। थोड़ी दूर दूर वाली तुरपन कीजिएगा, ताकि क्या हो ये अच्छे से पकड़ हो जाए इसकी, ज्यादा पास पास करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस प्रकार से ऐसे डबल करते जाइए। और देखिए मैं तुरपन के टांके लगा के बता रही हूँ आपको, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक पुरानी है, तो अब कच्चा हमारा नहीं चलेगा इसमें, इसलिए हमने एक बार ऊपर कच्चा कर लिया, ताकि आपको तुरपन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए इस प्रकार से आपको तुरपन करनी है, और पूरे में आपको इसी प्रकार से इसे लगा देना है। मैं आपको झबला भी आगे इसी प्रकार से बताने वाली हूँ। आपके पास मशीन है तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, अपनी मशीन पे तैयार कर सकते हैं। देखिए हमने ऊपर की कितनी अच्छे से इसको कच्चा और तुरपन करके मैंने आपको बता दिया है। देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से हमने किया है। अब आपको सेम नीचे भी आपको इसी प्रकार से करना है, पर देखिए अलग अलग करना है। इस पैर का आपको अलग करना है, इस पैर का अलग करना है। तो एक बार आप नीचे पहले कच्चा नीचे आप कच्चा कर लीजिए पहले दोनों तरफ, और उसके बाद जिस तरीके से तुरपन के लिए हमने मोड़ा है उसी प्रकार से आपको वो भी मोड़ना है। देखिए हमने ऊपर भी तुरपाई कर ली है, और देखिए हमने ये नीचे भी तुरपाई कर ली। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमने तुरपाई की है। कच्चा करने के बाद हमने इसमें तुरपाई कर ली है। अब आपको क्या करना है, उल्टा करके वापस से आपको पहले हमको इलास्टिक कंप्लीट करनी है, उसके बाद में आगे का प्रोसेस हम करेंगे। देखिए ऊपर हमारी कमर हमने 12 इंच की ली थी। देखिए ऊपर कमर हमने 12 इंच की ली थी, और एक इंच हमने बढ़ा के लिया था। तो देखिए हमको जो ये कमर का हिस्सा लेना है वो 12 इंच का लेना है। 12 का हम देखिए यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए 12 का हमने कट कर लिया है। हमें इसमें कम करना पड़ता है, पर हम इसमें कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम इसमें गिठान लगाएंगे तो ऑलरेडी ये कम हो जाएगा। और अगर आप वो चपटी वाली इलास्टिक लेते हैं आधा इंची वाली, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको कमर से 2 इंच कम इलास्टिक को काटना है। और अगर आप सिलाई सिल रहे हैं, मशीन से सिलाई कर रहे हैं, तो आपको 2 इंच कम इलास्टिक लेना है। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसी में नॉट बांधेंगे, तो इसीलिए हमने इसमें इलास्टिक में कम नहीं लिया है। अब आप इसको इसमें पिरो लीजिए। देखिए छोटी सेप्टिक पिन की सहायता से हम इसमें पिरो लेंगे इलास्टिक को, हमारी को पूरी को कमर में। देखिए पहले हम कमर वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, धीरे धीरे आराम से जैसे आप नाड़ी डालते हैं उसी प्रकार से इसे डाल लीजिए। देखिए हमने ये इलास्टिक यहाँ तक दोनों को ले आए हैं। हम पहले आप इसे नॉट कर दीजिए अच्छे से, हमने इस प्रकार की नॉट लगा ली है। अब आप इसको इस प्रकार से चारों तरफ से घुमा के एक जैसे सल कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये हमारे सल हो गए हैं पूरे अच्छे से, और आप इसको धीरे से नॉट को अंदर कर दीजिए। ये देखिए हमारी नॉट अंदर हो गई है। अब आपको नीचे भी इसी प्रकार से नॉट बांधना है। नीचे का घेरा नाप लीजिए। देखिए यहाँ पर ये आपका 16 इंच का आ रहा है, तो आपको कम से कम यहाँ पर 5 इंच की या 5.5 इंच की इलास्टिक डालनी पड़ेगी। 5.5 यानी कि 11 इंच का हो गया। आप 2 11 11 इंच के इलास्टिक काट लीजिए। ये देखिए हमने 11 इंच का इलास्टिक काटा है। खींचिएगा मत इलास्टिक को, बिल्कुल जितना है उतना ही काटिए। हम दोनों तरफ के 11-11 इंच के इलास्टिक काट लेंगे। देखिए इस प्रकार से ये दोनों हमने काट लिए, और इसको इसको भी अपने को ऊपर जैसे हमने इलास्टिक डाला पिन की सहायता से, उसी प्रकार नीचे भी डाल लेंगे। इसी प्रकार आपको दोनों में इलास्टिक डालकर कंप्लीट कर लेना है। ये दोनों तरफ हमारी नॉट है, और हमको अब ये इतने पोर्शन को यहाँ पर स्टिच करना है। हमने नॉट अंदर कर दिए, अब आपको ये इलास्टिक पकड़ के यहाँ पर सिल देना है। थोड़ा सा टाइट सिलिएगा, क्योंकि ये जगह देखिए बैठने वाली जगह होती है। इसको अच्छे से डबल टिबल वाला टांके लगा दीजिए, जिससे क्या हो अच्छे से आपका बैठने वाली जगह अच्छे से सिल जाए। और नॉट लगा दिया है, अब आप इसे कट कर सकते हैं। देखिए हमने इसको अच्छे से नीचे बैठक वाली जो जगह हमारी बची हुई थी वो देखिए हमने इलास्टिक के साथ में इसको सिल लिया है। और अब हम आपको इसको सीधा करके बताएंगे। देखिए
सलों को आपको एक बार अच्छे से खींच के एक जैसे कर लीजिए। ये इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप कर देंगे तो आपके सल बिल्कुल चारों तरफ एक जैसे हो जाएंगे। देखिए ये हमारा कितना अच्छा ब्लूमर बनकर तैयार है, कितना प्यारा हमारा ये बनकर तैयार है, कितना सुंदर देखने में लग रहा है। आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आपको सिंपल झबले की बताएंगे, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आप भी ये चीजें हमसे सीख सकें। थैंक यू।